हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में आपकी जो क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर, उसका सब्जेक्ट करेंगे जिसका कोड है BIOCH311 और इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। जब आप इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे तो इसका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट तो है इसका बायोटेक्नोलॉजी, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जिसे अपने हिंदी में कहते हैं जैव रसायन। तो दो पार्ट में ये आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है ये प्रोवाइड की थी, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल इरेकी। ठीक है, इन्होंने ये टर्म प्रोवाइड की थी 1919 के अंदर। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका नाम याद रखना, कार्ल इरेकी। जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। आपके ट्वेल्थ क्लास में एक लेसन था जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर आपने पढ़ा था। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर अपने स्टडी करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट हो सकते हैं, वो एनिमल हो सकते हैं, वो माइक्रोब्स हो सकते हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अपने स्टडी करते हैं कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब नेचर के अंदर वो कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर भी अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे, लेकिन वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं करेंगे, वो अपने करेंगे इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन का मतलब क्या होता है कि लैब के अंदर, जहाँ पर जो कंडीशनें होंगी वो क्या होंगी, कंट्रोल्ड होंगी ह्यूमन के द्वारा। कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं, अपने लैब के अंदर या इन विट्रो कंडीशन में। तो अपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं या जैविक कारक हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं या जैविक कारक, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पर अपने प्लांट कह सकते हैं या प्लांट सेल कह सकते हैं, या ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन सेल, कि जितने भी जैविक कारक हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, प्लांट सेल भी हो सकते हैं और ह्यूमन सेल भी हो सकते हैं। इन सभी का कंट्रोल्ड कंडीशन में यूज़ करके, मतलब इनको अपने इन विट्रो कंडीशन में इनका अपने यूज़ करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल का अपने नियंत्रित परिस्थितियों में उपयोग करके, कंट्रोल्ड कंडीशन में इनका यूज़ करके, ह्यूमन के लिए जब यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसे अपने क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर जैविक कारकों या बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल या ह्यूमन सेल का नियंत्रित अवस्थाओं में उपयोग करके या कंट्रोल्ड कंडीशन में इनका यूज़ करके जब ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसके बारे में अपने इस आपके सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे अपने इनकी हेल्प से ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अपने पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर अपने किसकी स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की। तो बायोटेक्नोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे अपने कहते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या पादप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, कि जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्लांट है
जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे इम्प्रूव किया जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। कि जब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्लांट का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे इम्प्रूव किया जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को या बायोटेक्नोलॉजी को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइम के बेस पर। फर्स्ट आ जाएगा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा आ जाएगा न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को अपने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को अपने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो अपने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं और न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ना है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने उन सभी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं जो फूड फर्मेंटेशन से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं, फूड फर्मेंटेशन या खाद्य किण्वन से रिलेटेड होती हैं। जैसे अपने दूध से किसका फॉर्मेशन करते हैं, दही का फॉर्मेशन करते हैं, या शर्करा या शुगर से अपने किसका फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं या शराब का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूध का फर्मेंटेशन हो रहा है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, दही का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो शुगर है या शर्करा है उसका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन है या किण्वन है ये करवाता कौन है, कौन कर रहा है, यहाँ पर जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन कर रहे हैं माइक्रोब्स, जो अपने ऊपर लिखे थे डेफिनेशन में लिखे थे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है वो बैक्टीरिया शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो माइक्रोब्स की या सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर या नेचुरल एबिलिटी पर बेस्ड होता है। ये फिक्स होता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन सा जीवाणु किस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट में बदलेगा। ठीक है, मतलब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो माइक्रोब्स की नेचुरल एबिलिटी पर बेस्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने कौन से प्रोसेस पढ़ेंगे, फूड फर्मेंटेशन से रिलेटेड प्रोसेस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अपने एग्जांपल लिखे हैं, दूध दही में बदल जाता है, शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है तो वो अल्कोहल में बदल जाता है, और फर्मेंटेशन करवाता कौन है, माइक्रोब्स करवाते हैं। कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये माइक्रोब्स की नेचुरल एबिलिटी पर बेस्ड होता है कि एक स्पेशल जीवाणु या एक स्पेशल बैक्टीरिया एक स्पेशल प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। मतलब जो बैक्टीरिया दूध को दही में बदल रहा है वो सेम बैक्टीरिया शर्करा को या शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो थी अपनी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब अपने बात करते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करते हैं। न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने स्टडी करते हैं, न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने उन सभी प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, उन सभी प्रोसेस की अपने स्टडी करते हैं जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड होती हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिज़ायर करेक्टर ला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई शुगर कैन की क्रॉप है, मान लो कोई एक गन्ना है, ठीक है, इसका जीन है ये इस प्रकार, ये जो शुगर कैन है या गन्ना है इसकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है। एक गन्ने की दूसरी वैरायटी है, उसकी लंबाई कम है लेकिन उसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, और उसका जो मान लो डीएनए है वो है ये। ठीक, अपने को कैसा शुगर कैन या गन्ना चाहिए जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो और जिसकी जो मोटाई है चौड़ाई है वो भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो अपने क्या करेंगे, हाइट इसकी ज़्यादा है, ठीक है, ये डीएनए है, और मोटाई इसकी ज़्यादा है, तो अब अपने क्या करेंगे, इसके डीएनए में से उस जीन को अपने काट कर अलग कर लेंगे जिसके कारण मोटाई वाला करेक्टर आता है, और फिर अपने क्या करेंगे, ये जो जीन था, ये जीन था, इस जीन को अपने इस डीएनए के अंदर जोड़ देंगे इस प्रकार। ठीक है,
और ये जो डीएनए बन जाएगा, जो दो अलग अलग डीएनए से मिलकर बना है, इस डीएनए को अपने क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। अब जिस गन्ने के अंदर या जिस शुगर कैन के अंदर ये रिकॉम्बिनेशन डीएनए होगा, उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी और उसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इस डीएनए के अंदर दोनों जीन हैं, जो लंबेपन के जीन हैं वो भी हैं और जो चौड़ाई वाले जीन हैं वो भी हैं। तो इस प्रकार अपने अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिज़ायर करैक्टर हैं वो ला सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिज़ायर करैक्टर कौन था कि वो लंबा तो था, लेकिन अपने कौन सा करैक्टर लेके आना था, जो चौड़ाई वाला करैक्टर लेके आना था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अपने इसके जो चौड़ाई वाला जीन था उसको अपने निकाल कर इसके डीएनए के साथ जोड़ दिया, और कौन सा डीएनए बना दिया अपने, रिकॉम्बिनेशन डीएनए। रिकॉम्बिनेशन डीएनए कौन सा होता है कि ऐसा डीएनए जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए से मिलकर बना होता है, उस डीएनए को अपने क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए कहते हैं। मतलब इस डीएनए का एक अलग कॉम्बिनेशन था, इस प्रकार इस डीएनए का अपने अलग कॉम्बिनेशन था, इन दोनों डीएनए को मिलाकर अपने एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, जिसे अपने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेशन डीएनए। ठीक है, तो ये अपने कुछ इसके बारे में बेसिक पढ़ा है कि टर्म किसने प्रोवाइड की थी, कार्ल इरेकी ने। जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो टाइप की होती है, या इसकी जो हिस्ट्री के बेस पर अपने से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइम के बेस पर, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करेंगे, वे सभी प्रोसेस पढ़ेंगे जो फूड फर्मेंटेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर ये फूड फर्मेंटेशन के अपने एग्जांपल लिखे थे, फूड फर्मेंटेशन करवाता कौन है, माइक्रोब्स करवाते हैं, और जो फूड फर्मेंटेशन होता है वो माइक्रोब्स की नेचुरल एबिलिटी पर बेस्ड होता है, कि वो फिक्स होता है कि कौन सा माइक्रोब्स किस प्रोडक्ट को या किस प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन करेगा। और जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर अपने कौन सी प्रोसेस की स्टडी करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं। मतलब इसके द्वारा अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिज़ायर करैक्टर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने एग्जांपल लिख सकते हैं, जो अपना टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, वो किसका एग्जांपल आता है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल आता है, जिसमें क्या होता है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ आर्टिफिशियल रूप से उसका फ्यूज़न करवाया जाता है, वो नेचुरल नहीं होता। तो वो सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जैसे आपने छोटी क्लासों में एक बड़ा पढ़ा होगा कि जो डॉली बेड थी, उस डॉली बेड का क्लोन तैयार किया गया था, तो वो भी प्रोसेस किसके अंदर आता है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। मतलब बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे फेमस रिसर्च सेंटर हैं, थोड़ा सा अपने उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ें इसकी हिस्ट्री के बारे में। जब अपने पढ़ते हैं तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ के द्वारा बायोटेक को डेवलप करने के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला गया और उसका नाम था ICGEB। ये आपने याद रखना है कि यूएनओ ने किसकी स्थापना की थी, ICGEB। ICGEB के दो सेंटर हैं, एक तो है ट्रिस्टा इटली के अंदर और दूसरा है इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में। ठीक है, कि बायोटेक को डेवलप करने के लिए यूएनओ ने किसकी स्थापना की, एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, ICGEB, और उसके दो सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, एक तो ट्रिस्टा इटली में और दूसरा भारत के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ICGEB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार एग्जाम में कि ICGEB की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके दो सेंटर कहाँ पर हैं, ट्रिस्टा इटली के अंदर, और इंडिया में कहाँ पर हैं, न्यू दिल्ली के अंदर। अब अपने करते हैं सिर्फ इंडिया की बात, कि इंडिया में 1982 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, NBTB की स्थापना की गई। ठीक है, और 1986 में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया,
डीबीटी, ठीक है। अब एनबीटीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, इधर लिख देते हैं अपने एनबीटीबी की फुल फॉर्म, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपने रिसर्च सेंटर याद रखने हैं कि 1982 में इंडिया के अंदर किसकी स्थापना हुई, एनबीटीबी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। 1986 में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, डीबीटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका नाम हो गया, ठीक है। फिर अपने पढ़ते हैं जो अपने जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी को भी अपने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, और दूसरे अपने पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब अपने जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको भी अपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो है प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अपने एक एक करके उन साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन है। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन है, हैबरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन है, तो साइंटिस्ट का नाम है हैबरलैंड। सेकंड आता है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर, कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है ई सी कॉकिंग। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कि ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कि ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे अपने कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को कल्चर किसने किया था, ई सी कॉकिंग ने। थर्ड साइंटिस्ट है कि धतूरा के पॉलन ग्रेन को कल्चर कर हैप्लोइड प्लांट या एगुणित पादप का निर्माण किसने किया था, कि प्लांट कौन सा है धतूरा, धतूरा के पॉलन ग्रेन को यूज करके हैप्लोइड प्लांट किसने तैयार किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर गुहा एंड माहेश्वरी, इंडिया के साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्कवरी आती है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो पीजीआर हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के यूज से कैलस से शूट व रूट, मतलब जड़ और परों का फॉर्मेशन किसने किया था। तो यहाँ पर भी दो साइंटिस्ट आते हैं, स्कूग एंड मिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स में, काफ़ी बार पूछा गया है। जब आप अपना 5 सालों के पेपर देखोगे तो आप इन क्वेश्चनों को वहाँ पर पाओगे। जितने भी मैं आपको इस हिस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट बताऊंगा, जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, चाहे आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर या आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि एमएस मीडिया का फॉर्मेशन किसने किया था। तो एमएस मीडिया एक मीडिया होता है या मीडियम होता है जिस पर अपने किसी भी सेल को कल्चर करते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट है मुराशीगे एंड स्कूग, मतलब एमएस मीडिया, यहाँ पर एम और एस का मतलब क्या है, एम का मतलब है मुराशीगे और एस का मतलब है स्कूग। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसजेनिक टोबैको का निर्माण किसने किया था। तो ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले तंबाकू या टोबैको एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर डिज़ायर करेक्टर को लाने के लिए कोई बाहरी जीन उसके डीएनए में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक टोबैको का निर्माण किसने किया था, एमडी चिल्टन ने किया था। और तंबाकू पहला ऐसा पादप है या पहला ऐसा प्लांट है जिसमें डिज़ायर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या लाने के लिए कोई बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए इसमें इंटर करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि पोमेटो या टोपेटो का फॉर्मेशन किसने किया था। तो पोमेटो क्या होता है, कि मतलब जिसमें टमाटर और आलू एक साथ लगते हैं, ऐसे प्लांट को अपने क्या कहते हैं, पोमेटो या टोपेटो। और इसका फॉर्मेशन सबसे पहले किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम है जी मिल्चर्स। नेक्स्ट आता है कि निकोटियाना टैबिकम और निकोटियाना लैंक्सडॉर्फी, ये तंबाकू की स्पीसीज हैं, कि निकोटियाना टैबिकम और निकोटियाना लैंक्सडॉर्फी के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करके एक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट किसने तैयार किया था, और साइंटिस्ट का नाम है कॉलरसन। इन सभी के बारे में अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है हैनिंग। और टेंथ आता है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन या कायिक क्लोनीय विविधता की डिस्कवरी किसने की थी, और इसमें साइंटिस्ट आते हैं दो, लार्किन व स्कोक्रॉफ्ट। और लास्ट में जो आपने शुरू में पढ़ा था कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, कार्ल इरेकी। तो
तो इसके अंदर आपने या 10 या 11 आपने कोई साइंटिस्ट पढ़े हैं या डिस्कवरियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में कोई एक दो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब अपने बायोटेक को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री के बाद अब अपने पढ़ते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हिस्ट्री। तो सबसे पहले आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी किसने की थी, तो यहाँ पर साइंटिस्ट है खुराना, ठीक है। सेकंड आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल बर्ग। जैसे फादर ऑफ बायोटेक कौन थे, कार्ल एरेकी। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन थे, हैबरलैंड। उसी प्रकार फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग। फिर अपने जैसे वहाँ पर बात की थी रिकॉम्बिनेशन डीएनए या पुनर्योगज डीएनए की, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन डीएनए किसने बनाया था, तो यहाँ पर साइंटिस्ट कौन सा है, पॉल बर्ग। फिर आता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन डीएनए किसने बनाया था, मतलब जो पहले डीएनए बनाया था वो तो बनाया था पॉल बर्ग ने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था, वो सही नहीं बना था। तो फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन डीएनए किसने बनाया था, दो साइंटिस्ट हैं, स्टेनले कोहने एंड हर्बर्ट बोअर। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है एस कोहने एंड एच बोअर, तो पूरा नाम इनका क्या है, स्टेनले कोहने एंड हर्बर्ट बोअर। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी ये फेमस है कि डिस्कवरी ऑफ पीसीआर किसने की थी, कैरी मूलिस ने। नेक्स्ट आता है इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो यहाँ पर साइंटिस्ट आएगा कॉर्न बर्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए कि लैब के अंदर डीएनए का सिंथेसिस किसने किया था, आर्टिफिशियल डीएनए किसने बनाया था, कॉर्न बर्ग ने बनाया था। नेक्स्ट आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले किसने किया था, या प्रतीप अनुलेखन सबसे पहले किसने किया था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब नॉर्मली क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। नेक्स्ट आता है इसमें आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड का फॉर्मेशन किसने किया था, एक तो होता है नेचुरल सीड जो अपने को प्लांट से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर है आर्टिफिशियल सीड, मतलब जो लैब में तैयार किया गया था, कि आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड किसने बनाया था, मुराशिगे ने। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधकारी एंजाइम, मतलब जो डीएनए को काटने वाला एंजाइम होता है उसे अपने कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तीन साइंटिस्ट हैं, स्मिथ, आर्बर एंड नॉथन्स। सबसे पहला एंजाइम पूछा गया है यहाँ पर कि फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही एक टाइप होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था उसका नाम है हिंड सेकंड, HIND सेकंड। नेक्स्ट आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक जेफरी। और नेक्स्ट यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है कि टोटिपोटेंसी शब्द किसने दिया था, टोटिपोटेंसी को अपने कहते हैं पूर्ण क्षमता, इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे कि टोटिपोटेंसी शब्द किसने दिया था, वैज्ञानिक है मॉर्गन। और नेक्स्ट आगे है सर्वप्रथम खोजा गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में आपने आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है, आपने सिर्फ एक बार नोट कर लो कि सर्वप्रथम खोजा गया प्लाज्मिड कौन सा है, तो उसका नाम है PBR 322। और आगे फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि पी बी की, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, और बी और आर ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, बी का मतलब बॉलीवर और आर का मतलब रोड्रिगेज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अपने की हैं हिस्ट्री, या अपने इसे कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, या हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं फुल फॉर्म्स के बारे में, एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं बायोटेक के अंदर, तो ये आपके सामने काफ़ी सारी 10 या 11 फुल फॉर्म है। सबसे पहला पीसीआर है कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकंड है जीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। थर्ड है हैपा, हैपा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एक फिल्टर होता है, हैपा की फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर। नेक्स्ट है PEG, ये एक केमिकल होता है, इसकी फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है DMSO, ये भी एक केमिकल है, इसकी फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। QTL क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। नेक्स्ट है MAS मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। आठवां है MARS मार्कर असिस्टेड रैंडम सिलेक्शन। नाइन्थ है RAPD रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। और टेंथ आता है ALFP मतलब एम्पलीफाइड लेंथ फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट में है SSR मतलब सिंपल सिक्वेंस रिपीट्स। तो स्टूडेंट्स अपने आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हो गए, अपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि ये दो टाइप की है, फिर अपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि
कि चाहे तो अपने कह दें कि सीधा ही हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या अपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एग्जाम के अंदर 15 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिस्ट्री ऑफ बायोटेक के बारे में लिखो, जिसमें आपने 15 नंबर में क्वेश्चन था और 15 साइंटिस्ट लिखने थे कि उनके द्वारा कौन कौन सी डिस्कवरी की गई थी, और लास्ट में आपने किया था फुल फॉर्म्स के बारे में।